नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा ट्रू कॉलर की एक मजेदार अपडेट। दोस्तों जब भी आप किसी व्यक्ति पे कॉल करेंगे तो आपकी कॉल रिसीव करने से पहले वो व्यक्ति जान जाएगा कि आप किस लिए कॉल उसे कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आप कर सकते हैं ट्रू कॉलर के जरिए। ट्रू कॉलर में एक ऐसा फीचर ऐड हो गया है जिसे आप कॉल करने से पहले एक मैसेज टाइप कर देंगे और उसके बाद कॉल करेंगे तो कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति के स्क्रीन पे कॉल लगने के साथ ही एक मैसेज फ्लैश होने लगेगा कि आप किस रीजन से उसे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले अपने ट्रू कॉलर एप्स को अपडेट कर लीजिएगा। अगर आपका ट्रू कॉलर एप्स अपडेट नहीं है तो ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। तो जानते हैं उस फीचर को हम कैसे इनेबल करेंगे अपने फोन में। इसके लिए हम ट्रू कॉलर एप्स को ओपन करते हैं और दोस्तों ट्रू कॉलर एप्स ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस तीन लाइन पे। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब तीन लाइन पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स। यहाँ पे लिखा हुआ है सेटिंग्स, तो क्लिक करना होगा यहाँ पे आपको। अब सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद आपको आ जाना होगा जनरल में। यहाँ पे जनरल लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे चूज ए रीजन बिफोर कॉल, मतलब कि आप अपनी रीजन को बताइए कॉल करने से पहले। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है तो आप अपने ट्रू कॉलर एप्स को अपडेट कर लीजिएगा। इसके बाद ये फीचर आपको यहाँ पे मिलने लगेगा। तो इसे सेट करने के लिए यहाँ पे हम ओपन करते हैं इसे। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन रीजन मिल जाते हैं। यहाँ पे तीनों में आप अलग अलग रीजन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ पे हम कोई रीजन को टाइप कर दे रहा हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं टाइप किया हूँ क्या हाल चाल है, और इसके बाद हम इसे क्लिक करते हैं डन। इसके बाद यहाँ पे भी आप इसी तरह से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं टाइप किया हूँ कहाँ हो, और इसके बाद हम क्लिक करते हैं डन। तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं या फिर इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे कंटिन्यू। अब यहाँ पे जैसे कि दोस्तों यहाँ पे दिखला रहा है कि आप जब भी किसी व्यक्ति पे कॉल करेंगे तो ये रीजन उसके मोबाइल पे फ्लैश होने लगेगी, मतलब ये दिखने लगेगा कि आप उसे क्यों कॉल कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डायलर पैड को ओपन करके आप जिस व्यक्ति पे कॉल करेंगे तो उस व्यक्ति पे ये मैसेज शो होने लगेगा। दोस्तों इसके लिए जरूरी होगा कि उस व्यक्ति के फोन में इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए और ट्रू कॉलर एप्स इंस्टॉल होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपके काम क्योंकि आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।